हजारीबाग जिले के केदारी प्रखंड के ग्राम पहरा में स्थित है। यहाँ दिलचस्पी की बात यह है कि इसी पहरा गांव की वर्तमान विधायक अमर प्रसाद भी है। इसी गांव के पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहब भी रह चुकी हैं और इसी गांव से ही पूर्व विधायक निर्मला देवी भी रह चुकी हैं। मैं उस विधायक के उन विधायकों के गांव से परिचित कराना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी यहाँ पे डैम है और इतनी बड़ी झरना है। ये अगर इस झरना को विकसित किया जाए तो वाकई में यहाँ पे पन बिजली उत्पादन हो सकता है। आप निराला जी, आप गोंदरपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, वर्तमान में आप पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो आपको क्या लगता है इस झरना को देख करके? ये घाघरा डैम का झरना को देख करके ऐसा लगता है कि इस पहरा गांव में पूरे पानी जा रहा है इस नहर से। ये बहुत बढ़िया है और केवल पहरा गांव नहीं, इसके कम से कम 10 से 15 गांव सिंचाई होगा, ये इस घाघरा डैम से लग रहा है। और यह एक पर्यटक स्थल है, ये झरना है, ये इसको कम से कम, ये केवल पहरा गांव, केवल केरेडारी नहीं, ये पूरे इस तरह का पर्यटक स्थल बनाया जाए कि देश विदेश के लोग यहाँ आवे, मैं इसकी कामना करता हूँ। लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप, इस पर्यटन स्थल के बारे में क्या आपका विचार है? देखिए, हम यहाँ तो बहुत दिन से आ जा रहे हैं, लेकिन जितने भी दिन तक हम यहाँ आए, ना तो यहाँ रोड का व्यवस्था अच्छी है, ना किसी तरह का पहुँचने का कोई अच्छा साधन है, लोग डर से भी यहाँ नहीं आएंगे। अगर इस क्षेत्र का विकास किया जाए तो बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ साल भर पानी गिरता है, जो झरना देख रहे हैं, साल भर पानी गिरता है। अगर इसको पर्यटन क्षेत्र में विकसित किया जाए तो यहाँ के लोगों को पहली बात की रोज़गार मिलेगा जो बेरोज़गार हैं, और दूसरी चीज़ कि दूर दूर के लोग यहाँ आएंगे और इस गांव के बारे में जानेंगे, बड़का गांव का नाम रोशन होगा और भी यहाँ के बारे में लोगों को पता चलेगा। लॉ कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आपका नाम क्या हुआ? पवन कुमार सर। आपका क्या राय है इस झरना और डैम के बारे में? ये सर एक प्राकृतिक का कुदरत का देन है जो हम लोग ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है और हमें ये देख कर बहुत खुशी हुआ है। अभी हम लोग शांत मौसम में आए हुए हैं, आने के बाद इतना राहत मिला कि हम सुकून का आनंद खुशी नहीं कर सकते, पर ऐसा होना चाहिए। ये बहुत जल्द पर्यटक स्थल बनना चाहिए, यहाँ की सड़कें अच्छी होना चाहिए ताकि लोग आए और जो ज़िंदगी का टेंशन है वो प्राकृतिक शुद्ध हवा लेकर, शुद्ध झरना को देखकर उसका मन अति खुश हो जाए। ये हम आप लोग से एक कामना करें। धन्यवाद।